अमेरिका ने नवंबर माह के बाद ईरान से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध का ऐलान किया था। भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में ईरान की तीसरी हिस्सेदारी है। भारत अपने कच्चे तेल का सबसे ज्यादा हिस्सा इराक से खरीदता है, वहीं सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। भारत ईरान के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद कच्चे तेल के आयात पर पड़ने वाले असर की भरपाई के लिए घरेलू तेल कंपनियों ने सऊदी अरब और इराक जैसे अन्य निर्यातकों के साथ पर्याप्त कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में ईरान से 226 लाख टन कच्चे तेल की खरीद की थी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ईरान से करीब 250 लाख टन कच्चे तेल का सौदा हुआ है। अधिकारियों की माने तो इराक से तेल आयात प्रभावित ना हो, इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। भारत के पास ईरान से तेल आयात प्रभावित होने पर उसकी भरपाई सऊदी अरब, इराक और दूसरी आपूर्तिकर्ताओं से करने का विकल्प है। इस संबंध में दूसरे देशों से जरूरी कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा चुके हैं। अधिकारियों की माने तो इस महीने के आखिर तक ईरान से तेल की सप्लाई में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या सिर्फ शेष बचे 5 महीनों के लिए होगी। इनकी भरपाई आसानी से सऊदी अरब, इराक और अन्य देशों के साथ हुए अतिरिक्त सौदे से की जा सकती है। अधिकारी ने यह भी बताया कि यदि ईरान से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह से बंद हो जाए तब भी देश की तेल शोधन कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि भारत अपने पारंपरिक मित्र देश ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं करने वाला है। इंडियन ऑयल और मैंगलोर रिफाइनरी पहले ही ईरान से नवंबर में 12.5 लाख टन कच्चा तेल खरीदने का सौदा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।